नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वास्तु के अनुसार घर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है। कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद घर में बरकत नहीं होती है। अक्सर बने बनाए काम में रुकावट आ जाती है। ऐसा घर के वास्तु दोष की वजह से होता है। वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर की नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने के लिए वास्तु के कुछ उपाय बेहद कारगर है। जानते हैं इसके बारे में। फर्नीचर में करे बदलाव। घर में रखे फर्नीचर में भी एक ऊर्जा होती है। घर के फर्नीचर को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बदलते रहने का मतलब ये नहीं कि नया फर्नीचर खरीद लाए, बल्कि इनके जगहों की अदला बदली करते रहें। बेडरूम में रखे बिस्तर की जगह बदल सकते हैं। ड्राइंग रूम में रखे सोफे की जगह भी कुछ दिनों के बाद बदली जा सकती है। वास्तु के अनुसार कोई भी सामान एक ही जगह पर लंबे समय तक रखने से उसकी ऊर्जा भी लंबे समय तक वही बंद कर रह जाती है। इसलिए फर्नीचरों की अदला बदली आपस में होती रहनी चाहिए। नमक के पानी का पोंछा। जब भी घर में पोंछा लगवाए तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दें। वास्तु में नमक का पोंछा बहुत कारगर उपाय माना गया है। कीटाणुओं को मारने के साथ साथ यह नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोंछा लगाने से लाभ मिलता है। बेडरूम में एक कांच के बर्तन में सेंधा नमक डालकर रखने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कबाड़ को करे बाहर। घर में रखा कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा लाता है। अपने घर में किसी भी तरीके का कोई भी फालतू सामान न रखें। अगर कोई सामान आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे घर से बाहर निकाल दें। खराब पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, टूटा फूटा सामान या फिर पुरानी रद्दी पड़ी है तो उसे घर से तुरंत निकाल दें। वास्तु के अनुसार घर में रखा कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर को सुगंधित रखें। अपने घर को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। सुबह सुबह अपने घर में ताजे फूल लाकर अपने घर में खुशबू फैलाएं। इससे घर का वातावरण बदलता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप अपने खुद के बाग बगीचे के फूल लगा सकते हैं या बाजार से भी फूल खरीदकर सुबह घर के गुलदस्ते में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।